तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मॉडल क्वेश्चन के बारे में, यानी कि आज किस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताने वाला हूँ ये पिछले साल में कई बार रिपीट हो चुके हैं और मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आते हैं वीडियो पर, यानी क्वेश्चन पर। आज की इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है रत्नाकर, बी नंबर रामदास, सी नंबर नंददास और डी नंबर रसखान। मैं पहले ही बता चुका हूँ आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हिंदी के भक्ति काल से रिलेटेड होने वाले हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बी ए फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उनके एग्ज़ाम में जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओमार सीट पर जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं या गेस भी कर सकते हैं। तो जो सबसे अधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की थी, वो थी नंददास जी की, ठीक है। नंददास जी अपने लेख में बहुत सारी गोपियों के बारे में अपना पूरा डिटेल में कोई भी कृति लिखे तो उसमें बताया गया है, इसलिए राइट आंसर नंददास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? नंबर एक वल्लभ संप्रदाय में, बी नंबर रस संप्रदाय में, और सी नंबर है राधा वल्लभ संप्रदाय में, और डी नंबर है रीत संप्रदाय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। ओके, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है, ये है सही, सी नंबर राधा वल्लभ संप्रदाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि पूरे दोस्तों 50 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन ये सारे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आई होप आपको एग्जाम में इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भरत मिलाप के लेखक कौन है? नंबर एक नाभादास, बी नंबर देव, सी नंबर है ईश्वरदास, डी नंबर है कृष्णदास। तो भरत मिलाप, ठीक है, रचना है इसके जो लेखक हैं वो हैं सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ईश्वरदास जी भरत मिलाप के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? नंबर एक बिहारी जी, बी नंबर सूरदास, सी नंबर विट्ठलनाथ और डी नंबर सूरदास। तो श्रृंगार रस मंडल आप उसके बारे में नॉलेज ही होगा, श्रृंगार रस मंडल रचना के बारे में। तो ये जो रचना है वो विट्ठल लाल जी नाथ जी की है, ठीक है, विट्ठल नाथ की। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसे रट लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्याम सगाई की रचना क्या है, रचना किसकी है, या श्याम सगाई किसकी रचना है? ऑप्शन एक है कृष्णदास, बी नंबर नंददास, सी नंबर मीराबाई, डी नंबर है रहीम। तो जो श्याम संगर है, ठीक है, श्याम सगाई है वो नंददास जी की रचना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि गहना एक कनकते गहना में कबीर ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ये एक पंक्ति है, ऐसा कह सकते हैं आप, गहना एक कनकते गहना कबीर ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? दर्शन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इन्ना नहीं लगा। मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कही कि टाइप करने में एक दो वर्ड मिस हो सकते हैं, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और फिलहाल मैं जो मिस होता है उसे आप लोगों को बता ही देता हूँ कि ये गलती हुई है। ओके, तो किसका प्रतिपादन हुआ है? ऑप्शन एक है सांख्य, बी नंबर है वेदांत, सी नंबर है चाणवार्क और डी नंबर है नाथ। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ओके, वेदांत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? ठीक है, गुरु अर्जुन जी के प्रति, ठीक है, गुरु अर्जुन देव के जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में कितने संकलित हैं? ठीक है, पद में कितने संकलित हैं? तो नंबर एक है 500, बी नंबर है 6000, सी नंबर 200 और डी नंबर 1500। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6000, यानी कि बी नंबर। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो में से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, या कॉपी पेन है आपके पास उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दिव्य प्रबंध में किसके पदों का संकलन है? नंबर एक है रहीम दास जी की, बी नंबर है नायनार और सी नंबर है आलवार और आलवार भक्त और डी नंबर है मीराबाई। तो जो दिव्य प्रबंध है
उसमें जो पदों का संकलन है वो है आलुवार भक्त का, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए के मारिफत, और बी नंबर है शरीयत, और सी नंबर है मलकत, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर मलकत। ठीक है, सी नंबर मलकत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन। नंबर एक है रामानुजाचार्य, बी नंबर है रहीम, सी नंबर है वल्लभ, और डी नंबर है कबीरदास जी। तो जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभ जी, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है। नंबर एक हिंदू धर्म से, बी नंबर है बौद्ध धर्म से, सी नंबर शाक्त धर्म से, और डी नंबर जैन धर्म से। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, बौद्ध धर्म से। ठीक है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, वो की है बौद्ध धर्म से, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि योग ग्रंथ किसका है। नंबर एक रैदास, बी नंबर नानक, सी नंबर अज्ञेय, और डी नंबर है हरिदास निरंजनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, हरिदास निरंजनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सुखमनी के रचनाकार कौन है। नंबर एक अंगद, बी नंबर है गुरु अर्जुन देव, सी नंबर है सुखदेव, और डी नंबर है रैदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा निम्नलिखित में से जो सुखमनी के रचनाकार हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव जी, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो एक तासी ग्रंथ है जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। नंबर एक है रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर राम कुमार वर्मा, सी नंबर शिव सिंह, और डी नंबर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर। तो जिन्होंने अनुवाद किया हिंदी में उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर जी, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अजगर करे न चक्री पंक्ति किसकी है। नंबर एक है रैदास, बी नंबर है मूलकदास, और सी नंबर है रहीम, और डी नंबर है अज्ञेय। तो अजगर करे न चक्री ये पंक्ति है, बी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मूलकदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध विलास किसकी रचना है। नंबर एक कृष्णदास, बीस नंबर तुलसीदास, सी नंबर है कबीरदास, और डी नंबर है लालदास। तो अवध विलास जो रचना है वो है लालदास की, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की है। नंबर एक शेख निसार, बी नंबर है रसखान, उसी नंबर है तानसेन, डी नंबर है मुलादाउद। ठीक है, तो मुलादाउद इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की है, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रसखान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रेम वाटिका किसकी कृति है। नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर रसखान, और डी नंबर कबीरदास। तो जो प्रेम वाटिका कृति है वो है रसखान जी की, इसलिए राइट आंसर इसका नंबर हो जाएगा सी नंबर। ओके दोस्तों, वीडियो में पूरी देखिएगा, मिस मत करिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने मेहनत से बनाए सारे क्वेश्चन, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरी वीडियो देखें जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। मैं आप ही लोगों के लिए हेल्प करता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युगल शतक के रचनाकार का क्या नाम है। नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर अज्ञेय, सी नंबर श्री भट्ट, और डी नंबर बिहारी। तो युगल शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं श्री भट्ट जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किस कवि को है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किस कवि को है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन एक है विद्यापति, बी नंबर नागेंद्र, और सी नंबर जायसी, डी नंबर रहीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, विद्यापति। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य के भक्त काल की
समय सीमा निर्धारण कीजिए, या समय सीमा क्या है। नंबर एक है संबत 1400 से 1480, बी नंबर संबत 1375 से संबत 1700, और सी नंबर है संबत 1350 से 1600, और डी नंबर है संबत 1442 से 1550। तो जो भक्ति काल की जो समय सीमा है, ठीक है, जो ज़्यादा देखो सबके, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं, सबके अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार वो बताते हैं कि इनकी समय सीमा या ये है भक्ति काल की या ये है। तो जो ज़्यादा जर्नली हुई है वो मानी जाती है बी नंबर, यानी कि 1600, ये राइट आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, 1375 से 1700, ठीक है, 1375 से 1700 भक्त काल की समय सीमा मानी जाती है या निर्धारण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए, इसकी रिजॉल्ट भी ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी किस महाकवि के वंशज माने जाते हैं। नंबर एक रहीमदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास, और डी नंबर चंदर बरदाई। तो सूरदास जी किस महाकवि के वंशज माने जाते हैं, वो माने जाते हैं चंदर बरदाई के, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में भंवर गीत के रचयिता कौन थे। नंबर एक गुलाब राय, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर नंददास, और डी नंबर है मीरा जी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, भंवर गीत के रचनाकार हैं, रचयिता वो हैं सी नंबर नंददास जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त ने 42 ग्रंथों की रचना की है, किस कृष्ण भक्त ने 42 ग्रंथों की रचना की है। तो कृष्ण भक्त तो बहुत हैं, आप लोगों को मालूम ही है, तो किसने 42 ग्रंथों की रचना की। नंबर एक है रसखान, बी नंबर मीरा, सी नंबर ध्रुवदास, और डी नंबर है नंददास। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा नंददास जी ने कृष्ण भक्त के 42 ग्रंथों की रचना की है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मीराबाई के भक्त किस प्रकार की है। तो जो मीराबाई की भक्ति हो वो किस प्रकार की है, क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कई बार कि जो मीरा जी की या मीराबाई की भक्ति है वो किस प्रकार की है। नंबर एक प्रेम भाव, बी नंबर माधुर्य भाव, और सी नंबर दास भाव, डी नंबर में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, माधुर्य भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है। नंबर एक मान मंजरी, बी नंबर रस मंजरी, सी नंबर रास पंचाध्यायी, और डी नंबर उपरोक्त में से सभी। तो जो नंददास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है रास पंचाध्यायी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में कौन सा रस है। नंबर एक है वियोग संगार, बी नंबर शांत रस, सी नंबर वात्सल्य, और डी नंबर संयोग संगार। तो भ्रमर गीत में जो रस पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है वियोग, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, वियोग संगार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर किसकी रचना है। कवित रत्नाकर किसकी रचना है। तो नंबर एक है नाभादास, बी नंबर देव, सी नंबर सेनापति, और डी नंबर है भूषण। तो जो कवित रत्नाकर है वो है रचना श्री सेनापति जी की, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर सेनापति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किसकी कृति है। देखो ये क्वेश्चन पहले समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा आप लोगों को। देखो वाल्मीकि रामायण का हिंदी, ठीक है, वो रामायण की बात तो अलग हो गई, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। एक कृति है वाल्मीकि रामायण का हिंदी, ठीक है, एक कृति है, कृति का नाम है सिर्फ, ठीक है, तो अनुवाद किसकी है। ठीक है, तो नंबर एक है रहीमदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर विष्णुदास, और डी नंबर है नाभादास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुदास। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किसकी कृति है, वो है विष्णुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। नंबर एक है 8, बी नंबर है 12, और सी नंबर 7, और डी नंबर है 15। तो जो आलवार भक्तों की संख्या है वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 12, बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है। नंबर एक मारिफत, बी नंबर नाद, और सी नंबर समाज, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मारिफत। ठीक है, निम्न में से जो संत कवि से संबंधित नहीं है वो मारिफत ही है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये कि संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? नंबर एक विभुत और बी नंबर है शांत, सी नंबर वीर और डी नंबर है श्रृंगार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर शांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन संत नहीं है? नंबर एक दादू दयाल, बी नंबर कबीर, सी नंबर मीराबाई और डी नंबर है सुंदरदास। तो निम्न में जो संत नहीं है वो है मीरा जी, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्ववास रामायण किस भाषा में है? ऑप्शन है बंगला में, बी नंबर हिंदी में, सी नंबर तमिल और डी नंबर मराठी। तो जो कवित्ववास रामायण है वो बंगला में है, बंगला लैंग्वेज में, बंगला भाषा में, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? नंबर एक रामायण में, बी नंबर कृष्णलीला में, सी नंबर महाभारत में और डी नंबर है वेद में। तो जो नल दमयंती आख्यान है, ठीक है, वो महाभारत में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि साकेत किसकी रचना है? आई होप इसका आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा। नंबर एक है महादेवी वर्मा, बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर निराला जी, सी नंबर है निराला जी और डी नंबर है मैथिली शरण गुप्त जी। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो साकेत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नंबर एक रामानंद, बी नंबर कबीर और सी नंबर है अज्ञे और डी नंबर है रहीम। थोड़ा यहाँ पर रिमार्क करने में दिक्कत हो गई, तो वो मतलब समझ लीजिए ए नंबर का मतलब हो रहा ई। ठीक है, तो जो रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं रामानंद जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, रामानंद जी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है निम्नलिखित में से रामाष्टयाम के रचयिता कौन है? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रसखान, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर अग्रदास। निम्नलिखित में से रामाष्टयाम, ध्यान दीजिएगा, रामाष्टयाम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रदास। ओके, डी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंगद पैज किसकी रचना है? एक अंगद पैज है वो किसकी रचना है? नंबर एक ईश्वरचंद, बी नंबर राम सिंह और सी नंबर ईश्वरदास और डी नंबर है राघोदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके हमें बताएं, आप लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंगद पैज, ईश्वरदास जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? नंबर एक वायु पुराण में, बी नंबर भगवत पुराण में, सी नंबर विष्णु पुराण में और डी नंबर इनमें से सभी। तो अंगद पैज की जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। जो रामकथा का अंश वायु पुराण में भी है, भगवत पुराण में भी है, विष्णु पुराण में है, इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक नरिहरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास और डी नंबर है राघवानंद। तो रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर रामायण किस भाषा में लिखा गया है? नंबर एक फारसी, बी नंबर तमिल, सी नंबर तेलुगु और डी नंबर है उड़िया। तो जो भास्कर रामायण है वो तेलुगु में है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, भास्कर रामायण तेलुगु में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अष्टछाप में कितने कवि हैं? नंबर एक 88, बी नंबर 18 और सी नंबर है 8 और डी नंबर है 58। इसका राइट आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर 8। ठीक है, अष्टछाप में 8 कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? नंबर एक महादेवी वर्मा जी, बी नंबर अज्ञे और सी नंबर महावीर प्रसाद और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं वो हैं श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विवेदी जी साहित्य युग में किस रूप में प्रविष्ट हुए या किस रूप में एंट्री किए, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन।
नंबर एक है नायक, बी नंबर संपादक, और सी नंबर एकांकीकार, और डी नंबर है निबंधकार। तो जो द्विवेदी जी थे वो संपादक के रूप में प्रविष्ट हुए थे, ठीक है, साहित्यिक में युग में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ओके संपादक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निर्गुण धारा को संत काव्य किसने कहा, निर्गुण धारा को संत काव्य किसने कहा। नंबर एक है रहीम ने, बी नंबर राम कुमार वर्मा ने, और सी नंबर है सूरदास ने, और डी नंबर है तुलसीदास जी ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा संत काव्य कहा है, वो कहा है राम कुमार वर्मा जी ने, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। नंबर एक हजारी प्रसाद जी, बी नंबर भूषण जी, और सी नंबर है कबीरदास जी, और डी नंबर है शेख नबी। तो ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो हैं शेख नबी जी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ओके। अगला क्वेश्चन है इनमें से सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है। नंबर एक फना, बी नंबर विरोग, और सी नंबर है प्रेम, और डी नंबर है ज्ञान। तो इनमें से जो सूफी काव्य का प्रमुख तत्व है वो है, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेम, सी नंबर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इन सिख गुरुओं में से सबसे अच्छे कवि कौन है, जो आप में से ये नीचे दिए गए हैं जितने भी कवि, इनमें से सिख गुरुओं में से सबसे अच्छे कौन है। तो ऑप्शन एक आपको मिल जाएगा गुरु अर्जुन देव, बी नंबर गुरु नानक, सी नंबर बाबा लाल दास, और डी नंबर है गुरु अंगद, ओके। बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि सभी में बहुत अच्छे कवि हैं, तो इसमें सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कौन है वो आप लोगों को बताना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसका राइट आंसर, इसका जो है इंटरनेट और कभी लोग इसको बता रहे हैं कि जो सबसे अच्छे सिख गुरुओं में से हैं वो हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि कृष्ण भक्त के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की है। क्वेश्चन थोड़ा टाइप करना मिस हुआ, यहाँ पर होना चाहिए कि है, ठीक है। भक्ति काल के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सही है। ऑप्शन एक है मीराबाई, बी नंबर है सोहोजाबाई, सी नंबर है रहीम जी, और डी नंबर है रसखान जी। तो जिन्होंने परिवार वालों से प्रताड़ना सही है उनका नाम है श्री मीराबाई जी, जो कि कृष्ण भक्त के लिए बहुत ही दीवानी थी, ठीक है। उन्होंने अपने मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया था। आई होप इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर का जो हो जाएगा परिवार जो प्रताड़ना सही है मीराबाई जी ने सही है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पूरे 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके आप हमें कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बेशक कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जितने पूरे 50 क्वेश्चन हैं, 50-60 क्वेश्चन और भी मैंने ऐड कर लिए हैं पूरे अपने PDF में, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको अपने वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर लिखा है sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों आप लोगों को हाईलाइट होते हुए मिलेंगे, तो वहाँ पर और भी कभी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वेबसाइट पर विजिट करिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तैयारी आपको अच्छे से भी करनी होगी, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप प्लीज़ उससे ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी होगी हम उसका सलूशन देते रहेंगे, ठीक है। और मैंने एक नया चैनल भी ओपन किया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी आप सपोर्ट करिए, एक बार चैनल पर विजिट करिए, उस चैनल का ऐसा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।